दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में। आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया, कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में। तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर, 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था खुद मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था। 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं, दरी वाले को, हम दो तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका, और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी? तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा, आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई, उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है, उसका नाम है भक्त चरण दास, वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई, और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है? तो उसने कहा, मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं है, 37 करोड़। तो मन में बार बार यही आता है, आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में? 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है? हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में, तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में, बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट तीन स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में, एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं।
मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे, और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला। 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं, और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।